हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नव्या सिंह और मैं आपके साथ आज फिर अनदर वीडियो के साथ आ गई हूं। आज का मेरा वीडियो सरोजनी नगर हॉल पे होने वाला है। एक्चुअली मैं लास्ट मंडे सरोजनी नगर गई थी, सो आई थॉट कि मुझे ना वहां पे इतना अच्छा, इतने चीप रेट में इतना अच्छा कलेक्शन मिला ना, मतलब मैं आपको भी एक बार सजेस्ट करूंगी कि सरोजनी नगर जरूर विजिट करें। विंटर के टाइम पे इतना बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है विंटर्स का, सो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए और एक बार जरूर सरोजनी नगर विजिट करना चाहिए। और गाइस, मैं एक बात आपको और सजेस्ट कर दूं कि आप प्लीज 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 संडे को बिल्कुल वहां मत जाइए, क्योंकि संडे को ना इतना ज्यादा रश है वहां पे, इतना ज्यादा रश है कि आप बिल्कुल भी वहां पे संडे को शॉपिंग कर ही नहीं पाओगे। आप ना एकदम इरिटेट हो जाओगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जब भी सरोजनी नगर विजिट करना है तो आप मंडे को जाइए, क्योंकि पता है क्या होता है कि जो वीक्स में ना ऑल डे मार्केट लगता है, तो अगर आप ऑल डे में से किसी डे पे जाते हो तो वहां पे पता है 400-500 की चीजें होती है, जो कि मंडे को सिर्फ 200-300 रुपीज में आपको सेल में देखने को मिल जाएंगी। और मैं आपको एक बार फिर सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मंडे ही विजिट करो, क्योंकि सरोजनी नगर बेसिकली मंडे मार्केट है, तो सरोजनी नगर में मंडे को ही मार्केट लगता है और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी देखने को आपको मंडे को मिल जाएगी और बहुत ही चीप रेट्स में। सो एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। सो मेरा जो पहला प्रोडक्ट है सरोजनी नगर का, जो भी मैं लेकर आई, उसमें से मेरा फर्स्ट ये स्वेटर है। बहुत ही मतलब बहुत क्यूट सी वाइब्स दे रहा है ये मुझे एकदम। मतलब इसका ना सामने से ऐसे टर्टल नेक में है, मैंने इसे राउंड करके ऐसे पहना है, और इसके ना डाउन शोल्डर बाजू है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा शोल्डर यहाँ तक जा रहा है। और ना एकदम लूज सी इसकी स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स इसकी बहुत लूज है, और ना ये क्रॉप में है। मतलब यार ये ना बहुत, मतलब मैंने ना पहले भी बहुत बार विजिट किया है तो मुझे ऐसा कलेक्शन कभी देखने को मिला ही नहीं किसी भी विंटर में, लेकिन मैं इस बार विंटर में दिसंबर के टाइम पे गई, सो मुझे ये इतना क्यूट सा टॉप मिला और ये मेरे बहुत अच्छी डील रही। और ना मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ कि अगर अगर आपकी इस बार्गेनिंग स्किल अच्छी है ना, तो आप बहुत अच्छा कलेक्शन सरोजनी में जाके बहुत चीप रेट में ले सकते हैं। सो भैया ने मुझे, मेरा ये था, और एक और था, ये मैंने एक और स्वेटर ऐसा ही खरीदा पाउडर ब्लू कलर के। मैंने दोनों स्वेटर एक ही शॉप से खरीदे थे, तो भैया ने ना मुझे बहुत, मतलब मैंने बहुत बार्गेनिंग वगैरह की भैया से, तो भैया ने मुझे बहुत कम रेट पे दे दिया। सो भैया ने मुझे ना दोनों स्वेटर का 800 कोट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये दोनों स्वेटर 350 में दे दिए। देखा मेरी बार्गेनिंग स्किल कितनी अच्छी है ना। सो मेरा ये सेकेंड स्वेटर है जो मुझे सरोजनी नगर से मिला, ये इस तरीके से इसका नेक है। मतलब इसका ना, इसका तो ऐसे राउंड यहाँ पे थोड़ा मोड़ना भी पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये ना हाई नेक है, यहाँ तक ये आके ऐसे स्ट्रेट रहेगा, हाई नेक में है, और इसकी भी ना स्लीव्स लूज हैं। ये थोड़ा सा ये ना अलग है इससे, मतलब ये ना मेरा नीचे से राउंड है और ना क्रॉप में है, बट ये इसका फ्रंट है ना, जो फ्रंट इसका क्रॉप है, बैक है ना ये थोड़ा सा लॉन्ग है, फ्रंट में ये क्रॉप सा आ जाता है, लेकिन बैक में ये थोड़ा लॉन्ग है, तो ये भी बहुत कूल कूल सा, मतलब कॉलेज की गर्ल्स होती हैं जो कॉलेज वगैरह में इस तरीके के टॉप वगैरह, स्वेटर वगैरह पहन के, मतलब बहुत अच्छा लुक आता है उनका। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार सरोजनी नगर जरूर विजिट करें और वहां पे विंटर कलेक्शन जरूर चेकआउट करें। सो मेरे को ये दोनों स्वेटर 350 रुपीज में मिले, जो मुझे बहुत बेस्ट डील लगी मेरी सरोजनी नगर की आज तक की। मतलब अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है ना, तो आप बहुत अच्छे रेट्स पे बहुत अच्छा कलेक्शन वहां से पिकआउट कर सकते हैं। सो मेरा जो नेक्स्ट है वो है मेरा ये शूज, ये ना व्हाइट कलर के स्नीकर्स हैं जो मैंने वहां से परचेज किया, और मैं आपको ना इन भैया का डिस्क्रिप्शन में ना कांटेक्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगी, और शॉप के जो भी कलेक्शन है वो मेरे हॉल वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं जब सरोजनी नगर गई थी तो मैंने उस पे एक हॉल वीडियो भी बनाया था, पूरा कवर किया था सरोजनी नगर को। सो मैंने शॉप के नंबर और डिस्क्रिप्शन में और कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगी भैया का। आप, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, मेरे हॉल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी एक बार चेकआउट, उसे भी आप चेकेगा कि कितना अच्छा कलेक्शन इस टाइम पे सरोजनी नगर में आया हुआ है। सो मेरे ये शूज हैं,
जो बहुत ही मतलब लाइट वेटेड में है। देखने पे ये लग रहा होगा कि ये हाई बहुत ज्यादा भारी होंगे और कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन पता पहनने के बाद तो मुझे इतना रिलैक्सिंग लग रहा था। मतलब कि यार अगर आप ना ऐसे आपको शूज मिल जाए और आप इन्हें जीन्स ब्लैक जीन्स के ऊपर इस तरीके के का ये जो स्वेटर है इसके ऊपर पहने इसको, तो प्रॉपर एक बहुत अच्छा एकदम कूल सा लुक क्रिएट होता है एकदम। मतलब आपको ना इनको ये देखने की जरूरत नहीं है कि यार हम कहीं जा रहे हैं तो ये पहने पैरों में दर्द हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भैया के पास ना बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए थे। मुझे ना एक पर्टिकुलर मुझे एक व्हाइट कलर में शूज चाहिए थे जो मुझे वहां जाने के बाद मिल गए, तो मुझे पहले से ये चीज पता था कि सरोजिनी नगर में जाने के बाद ना मुझे जो भी चाहिए ना सब कुछ मिल जाने वाला है। सो ये मेरे दोनों शूज ना भैया ने मुझे 1000 रुपीज कोट किए थे, लेकिन ये मुझे 600 में मिल गए थे। सो ये मेरी सरोजनी नगर की भी बहुत सेकंड बेस्ट डील है। फर्स्ट तो मैं इसे ही कहूंगी, लेकिन सेकंड ये मेरी बेस्ट डील है क्योंकि बार्गेनिंग स्किल ना मेरी सरोजनी नगर जा जाकर ही बहुत अच्छी हो गई है। तो ये शूज 600 में मुझे मिले। नेक्स्ट है मेरा जो ना एक जब हम मॉल की तरफ से एंटर करते हैं तो वहां पे ना एक भैया नीचे धड़ी पे लगा के ना बूट्स बेच रहे होते हैं। सो मैंने वहां से मतलब वहां पे ना जस्ट मैं गई, मुझे बूट्स लेने थे तो मैं घर से ना प्लान करके गई थी। और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी सरोजनी नगर जाए तो प्लीज एक डायरी पे ना लिख कर ले जाए कि आपको क्या क्या पर्टिकुलर क्या क्या चीजें वहां से परचेज करनी है। क्योंकि पता है सरोजनी नगर में जाने के बाद ना हम चीजों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये भी ले लो यार, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, क्योंकि पता है वहां पे कलेक्शन कलेक्शन ही इतना अच्छा होता है ना कि आपका दिल हटेगा नहीं उन चीजों से। आपको लगेगा यार खरीद लो खरीद लो खरीद लो। फिर तो मैंने मॉल के सामने से एंट्री किया था तो मुझे ना बूट वाले भैया दिख गए। सो मैंने ये बूट वहां से खरीदे, एक्चुअली 600 के हैं। ये भैया ना वहाँ पे धड़ी में लगा कर ना बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि 600 बूट, 600 बूट। उनके पास हाई लेंथ वाले बूट्स, एंकल लेंथ वाले बूट्स, कलरफुल बूट्स, पिंक कलर, ग्रीन कलर और बहुत ब्राउन वगैरह कलर, बहुत अच्छे अच्छे कलर के भी थे और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में भी थे। मतलब ये सारे बूट्स ना वहाँ पे प्योर लेदर के होते हैं। तो मुझे ये वाला बूट बहुत पसंद आया, मैं इनको आपको पास से दिखा देती हूँ। ये प्योर लेदर में है, मतलब आपको 600 रुपीज के अंडर, 600 रुपीज में इतने प्योर लेदर के बूट्स वहां मिल रहे हैं सरोजनी नगर में। तो इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। वहां पे ना बूट्स की शॉप वगैरह भी है सरोजनी नगर में, तो वहां पे भैया आपको ना 2000 3000 कोट करते हैं। लेकिन ना अगर आप मंडे को जाते हैं तो मंडे को ना वहां पे 500 वाले बूट्स वाले भैया भी आते हैं, लेकिन उनके ना थोड़े से पुराने से होते हैं और उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जो भैया 600 में बेच रहे होते हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब इतने पॉलिश्ड होते हैं ना, इतने सुंदर लग रहे होते हैं वो बूट्स कि आप ना खुद ही अट्रैक्ट हो जाओगे। और अगर आप थोड़ा टाइम लगा के वहां पे ढूंढोगे ना, क्योंकि वो बहुत सारे ना सारे साइजेस वगैरह कलर्स वगैरह ना मिक्स करके बेचते हैं, और अगर आप वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा के ढूंढोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बूट्स मिल जाएंगे। और ना अगर आप वहाँ पे एक ढूंढ लेते हैं, अगर आपको एक मिल जाता है उसमें से, तो आप भैया को दे के ना दूसरा भी मांग सकते हैं कि भैया मुझे ये नंबर मिल गया है 37 का दूसरा साइज भी, तो भैया खुद ही ढूंढ के दे देंगे, आपको ज्यादा मेहनत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। सो 600 में मेरे को ये बूट्स मिले। तो मेरा नेक्स्ट जो है वो है ये ग्रीन सा जैकेट जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। सो मुझे ना मैंने जैसे शॉप में एंटर किया ना मेरी निगाह पड़ गई, मैंने कहा ये वाला जैकेट तो मुझे लेना ही है। मतलब 600 रुपीज में ना मुझे कुछ प्रिंटेड प्रिंटेड सा और कुछ ग्रीनिश कलर ऐसे बहुत कूल कूल सी वाइब्स देते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे ले लिया जाए। और ये ना भैया ने मुझे 400 कोट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 200 में ये जैकेट दे दिया। तो क्योंकि मेरी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है यार, मैं सरोजनी नगर जा जाके ही बार्गेनिंग करना सीखी हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर सरोजनी नगर जाते हो तो बार्गेन जरूर करिए। तो यहाँ पे इसमें ना पीछे ये पूरा प्रिंटेड है, और यहाँ पे एक इसकी बाजू पे ऐसा लोगो भी लगा हुआ है, टाइगर का कुछ लोगो है, और फ्रंट में इस तरीके की पॉकेट मिल जाती है आपको। यहाँ भी एक पॉकेट है ये टिक बटन वाली, फ्रंट में इस तरीके की बहुत बड़ी सी पॉकेट है, और अंदर से ना इस तरीके की आपको ये ना एक डोरी सी लगी हुई मिल जाएगी। इसमें एक डोरी सी लगी हुई जो आपकी ना कमर पे बहुत अच्छा फिटेड देगी। और इसको मतलब अगर आपको ये जैकेट लूज भी है ना वहां से आप टाइट करके इसको पहन सकते हैं। लेकिन ये ओवरऑल मेरे को बहुत कूल लगा, बहुत अच्छा लुक भी आ रहा है इसको पहनने के बाद। मेरे हॉल वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने ये किस शॉप से परचेज किया है। मैं
शॉप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। भैया के पास और भी कलेक्शन था, और बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था, और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स भी थे, कार्डिगन्स थे, पुलोवर्स थे, स्वेटर्स थे, और जैकेट वगैरह भी थे। तो आप एक बार वहां पे जरूर विजिट करिएगा। और अगर आपको विंटर्स में बहुत अच्छा अच्छा कूल कूल लुक क्रिएट करना है, तो आप एक बार वहां जरूर जाके ना सरोजनी नगर में आप अच्छा अच्छा सा कूल कूल से कपड़े लाकर बहुत अच्छा अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जैकेट मुझे 200 में मिला। फिर नेक्स्ट है मेरा जीन्स। एक्चुअली बताइए, सरोजनी नगर में ना जीन्स की इतनी सारी वेरायटी है, इतनी सारी वेरायटी है। वहाँ पे ना मॉम्स जेंस, हाई राइज जेंस, लूज फिटेड, स्किनी जेंस और स्ट्रेट फिट जेंस बहुत सारी है। मतलब रफ में भी जीन्स इतनी सारी ना, अगर आप पर्टिकुलर आप सोच के नहीं जाते ना कि मुझे कौन सी जीन्स लेनी है यार, कौन सी लेनी अच्छी रहेगी, तो एक बार ना आप उस चीज को ना ट्राई करके देखो। कुछ डिफरेंट अगर आपको लेना है ना, आप सरोजनी नगर चले जाओ। आप फिर मेरी ये जीन्स थे, भैया ने ये मुझे 400 कोट किया था, लेकिन मैंने फिर बार्गेन करके इसको 200 में लिए। ये फ्रंट से इस तरीके का रफ है, सामने से हाई वेस्ट है, ये प्रॉपर हाई वेस्ट जीन्स है ये, और ये नीचे इसके एंकल लेंथ है, और यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ऐसे रफ रफ सा डिजाइन मिल जाता है यहाँ पे, और इस तरीके का ये पूरा पैटर्न ही है। और इस तरीके से ना अगर आप वहाँ पे जाते हो सरोजनी नगर में, ऐसे पर्टिकुलर कुछ जींस पे ना नंबर वगैरह नहीं लिखे होते, तो आप ना यहाँ से नेक्स्ट से जाके ना इसको ट्राई आउट जरूर करिएगा। क्योंकि पता है कई बार ना वहाँ पे जो उस पे नंबर मेंशन भी होते हैं ना, उस साइज की वो जींस होती नहीं है। तो एक बार आप अगर ऐसे नेक से लगा कर देख लेंगे ना, और कई कई बार तो भैया के पास ना मीटर वगैरह होते हैं, तो वो नाप कर आपको दे देंगे, तो आप अपने आपको आपका जो भी साइज है उस साइज के आप जींस वहां से ले सकते हैं। तो मैं इन भैया की शॉप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकती हैं। मेरा नेक्स्ट जो है ना गोल्डन सा है, सामने से इस तरीके सा गोल्डन सा है, और ये प्योर लेदर में बेल्ट है, और भैया ने ये मुझे 100 रुपीज में दे दी थी। उन्होंने मुझे 200 बोले थे, लेकिन उन्होंने मुझे 100 रुपीज में दे दिए थे। और जब आप ना गेट नंबर 3 से एंटर करते हैं, तो गेट नंबर 3 से एंटर करने के बाद वहां पे एक फूड स्टॉल है। फूड स्टॉल के जस्ट सामने ही ना एक झुमके वाले भैया हैं, और उसके जस्ट बगल में ही ना गॉगल्स वाले भैया। उनके पास इतने ट्रेंडी ट्रेंडी कलेक्शन है ना, मैंने हॉल वीडियो में उनका उनका लोकेशन आपको बताया, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहां से ये एक गॉगल्स खरीदा ट्रांसपेरेंट में, तो मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, मैं सोच रही थी कि कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सा लूँ मैं। मुझे 200 कोट किए थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये 100 रुपीज में दे दिया। मैंने बोला प्लीज भैया प्लीज, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये 100 रुपीज में दे दिया। बाकी मैंने और भी शॉपिंग करी थी, बाकी मैं और मेरे सिस्टर गए थे, तो उन्होंने भी शॉपिंग करी थी, तो वो तो अपने सामान लेके चली गई, उसको मैंने वीडियो नहीं बनाया। बाकी जो मैं सामान लेके आई थी मैंने उसका बना लिया। दैट्स इट गाइस, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्रेस बेल आइकॉन को जरूर